इस सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी चुंबकीय क्षेत्र का हम लोग डाइवर्जेंस निकालने वाले हैं। इससे जस्ट पहले के लेक्चर में हमने मैग्नेटिक फील्ड का कर्ल निकाला था, कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है, काफी कुछ उसमें सीखने को मिलेगा। आप लोग केवल मैथमेटिकली इस पूरे प्रोसेस को देखने मत आया करिए, मैं बीच बीच में बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे कॉन्सेप्ट बताता हूँ, इसीलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखा करिए। जैसे देखिए इसमें भी आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोग कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं कि चलिए मैथमेटिकली तो ठीक है, डाइवर्जेंस जब मैथमेटिकली निकाला जाता है तो कैसे निकालते हैं, जो डेल ऑपरेटर होता है उसका जो जिस क्वांटिटी का डाइवर्जेंस निकालना है उस क्वांटिटी का डेल ऑपरेटर के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाला जाता है, यानी डेल ऑपरेटर डॉट दैट पर्टिकुलर वेक्टर क्वांटिटी जिसका डाइवर्जेंस निकालना है। जैसे यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, डेल डॉट बी, इसी को हम लोग डाइवर्जेंस कहते हैं। तो अब सवाल ये है कि चलिए मैथमेटिकली तो समझ में आता है, यहाँ पे दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट है, दो वेक्टर्स का सिंपली डॉट प्रोडक्ट है, बट ये इसका मतलब क्या हुआ, ज्योमेट्रिकली और फिजिकली इसका मतलब क्या हुआ। देखिए किसी भी क्वांटिटी का अगर हम डाइवर्जेंस अगर निकाल रहे हैं तो इसका मतलब हम ये चेक करना चाहते हैं कि वो क्वांटिटी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे डाइवर्ज होने की प्रवृत्ति रखता है या कन्वर्ज होने की प्रवृत्ति रखता है, वहां पे वो इकट्ठा हो रहा है कि वहां से वो फैल रहा है। जैसे आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये कोई एक गड्ढा है और इस गड्ढे में चारों तरफ से पानी आके क्या हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो पानी है यहाँ पे क्या हो रहा है, आके इकट्ठा हो रहा है, तो ये पानी का कोई वेलोसिटी होगा। तो जब आप इसका आप डाइवर्जेंस निकालेंगे तो वो निगेटिव आएगा, निगेटिव डाइवर्जेंस का मतलब कन्वर्जेंस हो रहा है। अगर डाइवर्जेंस निगेटिव आ रहा है मतलब डाइवर्जेंस का उल्टा हो रहा है, डाइवर्जेंस का मतलब होता है फैलना, तो यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है तो कन्वर्ज हो रहा है, तो यानी इसका जब आप डाइवर्जेंस निकालेंगे यहाँ पे तो इस केस में बताएगा कि वो निगेटिव आ रहा है बट जीरो नहीं आएगा। उल्टा सोच लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक पंपिंग सेट, मान लीजिए ट्यूबवेल लगा है और वहां से पानी निकल रहा है और ये पानी चारों दिशाओं में क्या हो जा रहा है, फैल रहा है, तो उसका भी यहाँ पे कोई वेग होगा, इक्वेशन होगा। इस केस में जब आप इसका डाइवर्जेंस निकालेंगे यानी डेल डॉट इस केस में भी निकालेंगे तो वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आने का मतलब यहाँ पे ये जो वेलोसिटी पानी का वेलोसिटी है वो क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, यानी सभी दिशाओं में फैल रहा है। ठीक, अब इसका रियल फिजिक्स में एग्जाम्पल आप बहुत अच्छा देखते हैं, जैसे पॉजिटिव चार्ज होता है तो आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें होती हैं वो बाहर की ओर निकलती है। तो जब आप पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इक्वेशन होता है E, इसका आप डाइवर्जेंस निकालेंगे तो वो क्या आएगा, वो पॉजिटिव आएगा, कुछ ना कुछ आएगा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वेशन का डाइवर्जेंस इसलिए पॉजिटिव आएगा क्योंकि इसकी लाइनें बाहर की ओर क्या करती है, फैलती है, तो वो डाइवर्ज होती है। वही नेगेटिव चार्ज अगर यहाँ पे होता, मान लीजिए नेगेटिव चार्ज, तो इसकी इलेक्ट्रिक लाइन की जो फोर्सेस की जो लाइनें होती है वो यहाँ पे क्या करती है, इकट्ठा होती है, कन्वर्ज होती है। तो यहाँ पे कोई क्लोज सरफेस बना के जब इसका आप डाइवर्जेंस निकालेंगे तो वो नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव मतलब क्या हुआ, नेगेटिव डाइवर्जेंस हो रहा है। तो नेगेटिव डाइवर्जेंस मतलब कि जो फैलना होता है उसका उल्टा, यानी इकट्ठा होना, यानी कन्वर्ज होना। तो यानी डाइवर्जेंस निकालने का मतलब होता है किसी वेक्टर क्वांटिटी का कि हम उस वेक्टर क्वांटिटी में यह चेक कर रहे हैं कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो वेक्टर क्वांटिटी इकट्ठा हो रहा है कि फैल रहा है, यानी डाइवर्ज कर रहा है कि कन्वर्ज कर रहा है। ठीक, अब बात आती है मैग्नेटिक फील्ड की। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, अब इसकी जो लाइनें हैं नॉर्थ पोल से निकलेंगी, साउथ पोल पे जाएंगी और यहाँ पे वापस अंदर इसके साउथ से नॉर्थ। मैं दो तीन और ये लाइनें बना रहा हूँ, क्योंकि ये क्लोज्ड कर्व बनाती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें क्लोज्ड कर्व नहीं बनाती हैं। यही कारण है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें क्लोज्ड कर्व नहीं बनाती हैं, यही कारण है कि उनका डाइवर्जेंस जीरो नहीं होता। अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी का डाइवर्जेंस जीरो हुआ, जीरो आता है, तो इसका मतलब वो क्वांटिटी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे न तो डाइवर्ज कर रहा है न तो कन्वर्ज। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड के केस में लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे मैं ये सरफेस ले लेता हूँ, सरफेस एक क्लोज लूप ले लेता हूं, तो अब इस क्लोज लूप में आप देखिए अगर इस डायरेक्शन से तीन लाइनें अगर इकट्ठा हुई तो फिर इसी क्लोज लूप से वापस तीन लाइनें बाहर भी निकल जा रही हैं क्योंकि इनको क्लोज लूप बनाना है। तो मैग्नेटिक लाइंस के साथ हमेशा ये होगा कि किसी भी आप क्लोज लूप को लेंगे तो जितनी लाइनें वहां पे अंदर आएंगी उतनी बाहर भी निकल जाएंगी, यानी बाहर निकलने का मतलब जितनी लाइनें डाइवर्ज कर रही हैं उतनी लाइनें उसी समय पे कन्वर्ज भी कर रही होंगी। इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड का डाइवर्जेंस क्या आता है, जीरो आता है, समझ में आए, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में ऐसा नहीं होता है क्योंकि वो ओपन कर्व होती है।
अब यहाँ पे यही हम लोग निकालने वाले हैं। तो आंसर तो आपको पता ही चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड का डाइवर्जेंस जीरो आना चाहिए, वरना वो क्लोज्ड लूप जो बनाने की उसकी प्रॉपर्टी है वो तो खत्म हो जाएगी। लेकिन हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्लोज्ड लूप बनाता है, तो क्लोज्ड लूप बनाने के सिनेरियो में कभी भी ना तो नेट में डाइवर्जेंस होगा ना नेट में कन्वर्जेंस होगा। ठीक, तो यहाँ पे आप देखिए हम लोग यूज करेंगे बायो सेवर्ट लॉ का। ठीक, फ्रॉम बायो सेवर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करेंट एलिमेंट डीएल कैरिंग करेंट आई इज गिवन बाय, ये फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, पढ़ाया जाता है। ठीक, इसमें मैं कुछ बताऊंगा नहीं, ये आप लोग बायो सेवर्ट लॉ वाले में जाके देखिए। यहाँ आर वेक्टर है तो इसको बस कुछ किया नहीं गया है, यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट किया गया है। तो किसी भी वेक्टर को अगर आर वेक्टर को यूनिट वेक्टर में करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका यूनिट वेक्टर एंड उसका मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे जैसे आर वेक्टर का उसको यूनिट वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड रखेंगे आर का, तो ये मैग्नीट्यूड इस पावर को कम करके सेकेंड पावर में कर देगा और यहाँ ऊपर आर कैप आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, हमें डाइवर्जेंस ऑफ बी निकालना है। तो डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मतलब ये डेल ऑपरेटर के साथ डॉट प्रोडक्ट बी। डेल ऑपरेटर को याद है कि भूल गए आप लोग, डेल ऑपरेटर क्या होता है, आई कैप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड, ये अपना होता है डेल ऑपरेटर। इसी के साथ हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे बी का। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बी का मान रख देते हैं। अब यहाँ पे देखिए बी का मान रख दिया, जो कांस्टेंट है बाहर करिए। अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट, ये इंटीग्रल ऑफ दिस फैक्टर। अब एक चीज याद रखिएगा कि डिफरेंशियल ऑपरेटर और जो इंटीग्रेशन ऑपरेटर होता है इंटीग्रल ऑपरेटर, वो इंटरचेंजेबल होता है। अब चूंकि डेल ऑपरेटर क्या है, डिफरेंशियल ऑपरेटर है, इसमें डिफरेंशियल का टर्म होता है ना, तो ये क्या होता है कि इस डेल ऑपरेटर को हम लोग इधर कर सकते हैं, इंटीग्रल ऑपरेटर को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये इंटीग्रल ऑपरेटर को हमने बाहर ले लिया और डेल ऑपरेटर को अंदर कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग एक वेक्टर अलजेब्रा का एक सूत्र, एक फॉर्मूला यूज करेंगे कि यहाँ पे डेल डॉट ए क्रॉस बी क्या होता है, ये सेकेंड वेक्टर डॉट डेल क्रॉस फर्स्ट वेक्टर माइनस फर्स्ट वेक्टर डॉट डेल क्रॉस सेकेंड वेक्टर, ये फॉर्मूला होता है, आप लोग पढ़े हैं। इसी फॉर्मूले को हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे। तो इसको यूज करने के लिए चलिए पहले इसमें फाइंड आउट करते हैं ए और बी क्या है। तो इसको जरा हम लोग तोड़ते हैं। देखिए डेल डॉट बी इक्वल टू डेल डॉट, ये इस वेक्टर में ये डीएल एक वेक्टर हो गया और ये आर कैप बटे आर स्क्वायर दूसरा, तो ये डेल हो गया डॉट, इसको मानिए ए वेक्टर और इसको मानिए पूरे को बी वेक्टर। समझ में आया? तो अब हम लोग इसको इसी में इसी यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो इस फॉर्मूले को सिंपल वे में देखिए यहां अप्लाई किया गया है, सेकंड वेक्टर डॉट डेल क्रॉस फर्स्ट वेक्टर माइनस यहां पे फर्स्ट वेक्टर डॉट डेल क्रॉस सेकंड वेक्टर दिस। ठीक, इसको हमने अप्लाई कर दिया। अब यहां पे पूरा गेम यहां पे आप लोग अच्छे से समझिएगा। देखिए ये जो डीएल वेक्टर है, डीएल इज नॉट फंक्शन ऑफ फील्ड पॉइंट वेरिएबल्स। जैसे देखिए यहां पे आपको एक चीज बताता हूं, इंटरेस्टिंग चीज है, जो डेल ऑपरेटर है जब आप इसको लिखते हैं तो आपको पता चलता है डेल ऑपरेटर में एक्स वाई और जेड के कोऑर्डिनेट्स आते हैं, यानी डेल ऑपरेटर एक्स वाई जेड का फंक्शन होता है। उसी प्रकार जो मैग्नेटिक फील्ड बी होता है वो भी फील्ड पॉइंट वेरिएबल्स होता है, यानी वो भी एक्स वाई जेड पे निर्भर करता है। यानी अगर स्पेस में यहां मान लीजिए यहां पे कोई मैग्नेट है, तो स्पेस में यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो कुछ और आएगा, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो कुछ और आएगा। क्यों? क्योंकि हर जगह के कोऑर्डिनेट्स अलग-अलग होंगे। यानी जो डेल ऑपरेटर और जो बी मैग्नेटिक फील्ड है, ये फील्ड पॉइंट वेरिएबल्स पे निर्भर करते हैं, एक्स वाई जेड पे, जो स्पेस के जो वेरिएबल्स होते हैं उस पे। जबकि डीएल वेक्टर क्या है, डीएल वेक्टर तो एक सोर्स पॉइंट वेरिएबल है। अरे भाई डीएल जो है ये तो हम लोग अपने से एक क्लोज्ड लूप लेते हैं ना। तो जब भी हम क्लोज्ड लूप, अब यहां पे डायग्राम तो आएगा नहीं, फिर भी अगर आप हमारे वीडियोस अगर कंटिन्यू देखते हैं तो आप जान गए होंगे, डीएल वेक्टर तो जो हम लोग एक अपना क्लोज्ड लूप लेते हैं उसका एक छोटा सा सेगमेंट है, तो वो एक्स वाई जेड वेरिएबल पे थोड़ी निर्भर करेगा, उसके तो अलग कोऑर्डिनेट्स। कहने का मतलब ये है कि जो डीएल वेक्टर है और जो डेल वेक्टर है दोनों अलग अलग वेरिएबल्स पे निर्भर करते हैं। अगर ये एक्स वाई जेड वेरिएबल पे निर्भर कर रहा है तो ये कुछ अलग वेरिएबल्स एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश पे निर्भर करेगा, इनके बीच में कोई कोरिलेशन नहीं होगा। तो ऐसे में जब इस डिफरेंशियल ऑपरेटर को इसके ऊपर ऑपरेट करेंगे और दोनों के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है, ये दोनों अलग अलग वेरिएबल्स पे निर्भर करते हैं, तो इनका कर्ल जीरो आएगा। अरे भाई किसी भी मान लीजिए किसी भी चीज को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग यहाँ पे क्वांटिटी है, अब इस क्वांटिटी में एक्स वेरिएबल है ही नहीं क्योंकि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं एक्स के सापेक्ष में, और इस क्वांटिटी ये जो क्वांटिटी है ये जो फंक्शन यहाँ पे है ये फंक्शन एक्स पे निर्भर ही नहीं कर रहा है, तो एक तरह से ये कॉन्स्टेंट हो गया इसके सापेक्ष में, यानी डीएल वेक्टर डेल ऑपरेटर के सापेक्ष में कॉन्स्टेंट हो गया, तो कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन तो जीरो ही आएगा है, तो ये इसका मतलब हो गया ये जीरो हो गया। ये पहला वाला तो चलो ये यहाँ पे ये जीरो हो गया तो ये तो गया।
अब हम लोग इसको देखते हैं ये कैसे जीरो होगा। चलिए क्योंकि आप लोग आंसर तो जान ही गए कि ये नेट में जीरो आना चाहिए, तो इसको भी किसी तरह जीरो लाना है। तो चलिए अब जीरो लाने का मतलब ये मत करिएगा कि दोनों पक्षों में जीरो से गुणा कर देते हैं, जीरो बराबर जीरो और प्रूफ हो गया। नहीं, ऐसा कभी मत करिएगा। सॉरी, इस तरह का जोक्स नहीं। देखिए यहाँ पे भी, अब यहाँ पे देखिए, अब हम लोग इस फैक्टर को देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये डेल क्रॉस आर कैप बाई आर स्क्वायर है। यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये क्यों ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये 1 बाई आर क्या है, स्केलर फंक्शन। स्केलर फंक्शन का जब आप ग्रेडियंट निकालेंगे, 1 बाई आर का ग्रेडियंट निकालेंगे, तो ये माइनस 1 बाई आर स्क्वायर आएगा। तो इसीलिए मैं इसको इस भाग में तोड़ दिया, ये दोनों बराबर है। जैसे ही हम लोग इसका मान ये वापस 1 बाई आर स्क्वायर रखेंगे, माइनस 1 बाई आर स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस बना देगा और ये वापस यही आ जाएगा। समझ में आया? यानी इसको मैंने थोड़ा सा रीअरेंज किया और यहाँ पे ये मैंने डिनोट भी कर दिया। अब आप लोग एक यूनिवर्सल फॉर्मूला जानते हैं कि कर्ल ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फंक्शन इज ऑलवेज जीरो। यानी कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फंक्शन इज ऑलवेज जीरो। ये एक वेक्टर आइडेंटिटी है, ये एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है कि कोई भी स्केलर फंक्शन है उसका ग्रेडियंट निकाल के उसका कर्ल निकालेंगे तो वो हमेशा जीरो आएगा, हमेशा जीरो। तो ठीक है, काम खत्म, ये भी जीरो हो गया। दोनों को उसमें रख दीजिए, इक्वेशन 2, 3, 4, यहाँ पे ये भी जीरो, ये भी जीरो। तो यहाँ पे कर्ल डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गया, डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल टू जीरो आ गया। और यही तो मैं आपको शुरू शुरू में समझाया था, हेंस द डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, अब इसमें कुछ लोग हायर क्लासेस के होंगे तो देखिए बाद में जाके वो एम्पियर्स के थ्योरम को मैक्सवेल ने मॉडिफाई किया था डिस्प्लेसमेंट करंट को ध्यान में रखते हुए, तो बाद में जाके इन चीजों में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा। तो अभी तक आपके लेवल के लिए ठीक है, लेकिन मैं यहीं पे एक डिस्क्लेमर दे देता हूं कि आगे जाके जब एम्पियर के थ्योरम को मैक्सवेल ने मॉडिफाई किया था ना, तो ये थोड़ा सा क्या, ये रिजल्ट चेंज होता है। लेकिन खैर वो स्पेशल केस है, उस पर अभी हम लोग इस लेवल पे डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, बस आप लोग जानते रहिए कि माने इसमें आगे भी मॉडिफिकेशन हुआ है। ठीक है, फिलहाल के लिए आपके लिए बस इतना ही। मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।